نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين سورة بقرة آية نمبر 145 اسم الله رب جد कबले का तस्करा कर रहे हैं और इस ऐस से जो आयात पहले गुज़री हैं उनमें भी कबले का तस्करा था नबी आलियात वसलाम जब मक्का से हिज़त करके मदीना तशरीफ़ लाए तो सोलह सत्रह महीने तक आपको बैतुलमु़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिला बाद में ये कबला तब्दील कर दिया गया और मशद हराम को काबा को किबला करार दिया गया इस पे कई लोगों ने बहुत एतराज़ किए यहूदियों ने मश्रकिन मक्का ने मुनाफिक ने तो इसी मौदू पर गुफ्तू इस ऐत में भी हो रही है अल्लाह तला फरमाते हैं और अलबत् अगर आप उन लोगों के पास जिनको किताब दी गई है हर ऐत लेकर आए हर निशानी लेकर आए अगर आप उन लोगों के पास जिनको किताब दी गई है हर निशानी के साथ आएं तो माँ तबीबलता का वो तब भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और आप भी हरगज उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं वह माँ बाह बिताब इन कबलताबाद और उनमें से बाज किबले की पैरवी करने वाला नहीं है उनमें से बाज़ बाज़ के किबले की हरगिज पैरवी करने वाला नहीं है और अलबत् अगर आप पैरवी करें उनकी ख्वाहिशात की उस इलम के बाद जो आपके पास आ चुका यकीनन तब आप जालमों में से होंगे वाला इन यहाँ पे लामे कसम है और इससे पहले कसम मुकद्दर होती है यानी कि इन अल्लाह की कसम अलबत् अगर अतईतिन ऊतल किताब उन लोगों के पास जिनको किताब दी गई है आप हर आयत लेकर आएं हर निशानी लेकर आएं हर मोयजा लेकर आएं हर दलील लेकर आएं माँ तबील कबलता का तब भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे ये माँ नाफ़िया है और ये जवाब शर्त है ल इन में इन क्या था वो शर्त के लिए था और जवाब शर्त क्या है कि माँ तब कबल तक ये लोग आपके किबला की पैरवी नहीं करेंगे तबियल मादी है जमा के लिए व मा तब ताब इन कबलता हूँ और आप भी किसी भी शक्ल में इनके किबला की पैरवी करने वाले नहीं हैं। बा है, है तो के लिए इसलिए तर्जमा किया जा रहा है किसी भी शक्ल में या हम तर्जमा कर सकते हैं कि आप कतन उनके कबला की पैरवी करने वाले नहीं हैं, ताबे पैरवी करने वाला ये इसम फाइल है वमा वमाबादबाद और उनमें से बा के कबिला की बिल्कुल पैरवी करने वाला नहीं है वाला तबाता और अलबत्ता अगर यहां पर भी कसम मुकदर है कि अल्लाह की कसम अगर आप इतबा तफेल मादी है वाहिद के लिए मुखातब कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुराद इससे आपकी उम्मत है और अगर आप पैरवी करें इनकी ख्वाहत की अहवा हवन की जमा है ख्वाहिशात नफ्स को कहा जाता है मिन मा इल्मी। उस इलम के बाद जो आपके पास आ चुका मिनल इलमी ये मीन बयानिया है किसका बयान है माँ का उस चीज के बाद जो आपके पास आ चुकी वो चीज क्या है वो इलम है वही का इलम कामिन बेशक आप तब तब यानी कि अगर आप उनकी ख्हैशात की पैरवी करते हैं इलम आ जाने के बाद तो तब आप जालमों में से होंगे अलमीन जालिम की जमा है जुल्म करने वाले को कहते हैं अब हम आते हैं इस ऐद की तफसीर की तरफ अल्ला इज्जत यहाँ पे तस्करा कर रहे हैं यहूदियों और ईसाइयों का राज कर रहे थे मुसलमानों पे कि इन्होंने अपना किबला तब्दील कर लिया तो अल्लाह इज्जत नबी अली अलीसाम से फरमा रहे हैं कि ये लोग आपकी मुखालफत इलम की, की बुनियाद पे नहीं कर रहे दलैल की बुनियाद पे नहीं कर रहे ये आपकी मुखालफत कर रहे हैं हसद की वजह से हरदर्मी की वजह से इनाद की वजह से इसलिए आप इनको मुतमिन करने के लिए जितनी भी निशानियां ले आए जितने भी मुआजे ले आए जितने भी दिल लेकर आ जाए ये आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि वजह क्या है वो इनाद है वजह हदर्मी है वजह जिद है तो इसका कोई इलाज नहीं है और इन अल्फाज से यह भी पता चला कि नबी अलीलाम कितनी हिरस रखते थे कि आपकी उम्मत हिदायत पा जाए यहूदी हिदायत पा जाए ईसाई हदायत पा जाए मुश्किन मक्का हिदायत पा जाए ये जुमला उन दलैल में से एक दलील है जिससे पता चलता है कि नबी अली किस कदर हिरस रखते थे कि लोग जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में जाने वाले बन जाए उसके बाद फरमाया विता बिन इन तुम और आप किसी भी शक्ल में उनकी किबला की पैरवी करने वाले नहीं है क्यों वो हर धर्मी की वजह से आपकी बात नहीं मानेंगे और आप चूंकि शिद्दत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की पैरवी करते हैं अल्लाह जो वही नाजल कर दे आप उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है आप उस पर अमल करते हैं इसलिए ऐसी कोई शक्ल नहीं निकलेगी कि आप उनके किबला की पैरवी करें वह आपकी कबला की पैरवी नहीं करेंगे आप उनके किबला की पैरवी नहीं करेंगे तो इससे पता चला कि यहूदी नबी अलीलात उसम से उम्मीद ना रखें कि नबी अलीलातम किबले के मामले में उनकी बात मान लेंगे या उनकी मुआफत करेंगे और इस इन दो जुमलों से यह भी पता चला कि नबी अलीलातोलाम भी इनकी इन यहूदियों की बहुत ज्यादा हिदायत की उम्मीद ना रखें वमा बाबिन किबलताबाद और इन में से बाज किन में से यहूदियों और ईसाइयों में से बाज बाज के किबला की पैरवी करने वाला कतन नहीं है यानी कि यहूदी ईसाइयों की किबला के मामले में पैरवी नहीं करेंगे और ईसाई यहूदियों की किबला के मामले में पैरवी नहीं करेंगे दोनों का किबला मुख्तलिफ है यहूदियों काबला क्या है सखरा बैतुलमुदस और ईसाइयों का किबला क्या है बैतुलमुकदस की मशर जानब और इस मामले में दोनों एक होने के लिए तैयार नहीं है दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के मुखालफ हैं अगरचे मुसलमानों की मुखालफत में दोनों एक हो जाते हैं और अगर आप इनकी वो ख्वाहिशात जिसकी तरफ आपको बुला रहे हैं वो मान लेंगे जबकि आप पे वही नाजिल हो चुकी आप पे कर्न नाजिल हो चुका तो अब आप इनकी मुआफत करेंगे इनकी बात मानेंगे तो आप ज़ालमों में से हो जाएंगे तो नबी अली अलीलातम से ऐसी उम्मीद नहीं है ये वही अंदाज है जो अंदाज अल्लाह ने सुरह जुमर में इख्तियार किया है ल इन अशरकता लह बक अमलका वतरीन के अः नबी अलीलाम अगर आप शिर का इरतकब करेंगे तो आपके नेक अमाल माल जया हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे तो नबी अलीस्म से शिरक का कोई खतरा नहीं।, नहीं है लेकिन मकसद है आपकी उम्मत को वार्निंग मिल जाए कि अगर नबी अलीलाम शिर करें तो कोई मुआफी नहीं है किसी और के लिए मुआफी कैसे हो सकती है और यहां पर भी वार्निंग है कि अगर नबी अलीलातलाम वही नाजिल हो जाने के बाद यहूदियों ईसाइयों की मुआफत करें तो आपको जालम करार दिया जाए तो किसी और से किसी और को कैसे मुआफ किया जा सकता है कोई और आलम दीन या नबी अली सलाम की तरफ अपनी नस्बत करने वाला खानदानी नस्बत कि मैं आले बैत में से हूं उन सब के लिए इसमें वार्निंग है कि अगर आप लोग कुरान पर अमल नहीं करते नबी अलीस्लाम के हदीस पर अमल नहीं करते यहूदियों ईसाइयों के तरीके पे चलते हैं और इस मामले में कुरानो हदीस की खिलाफवर्जी करते हैं तो फिर आप जालम हैं। और इन अल्फाज से यह भी पता चला कि इलम किसका नाम है इलम उस वही का नाम है जो आसमानों से नाजुल हुई है इलम उस दीन का नाम है जो अल्लाह इज़्ज़त ने आसमानों से नबी अली पे भेजा है और इससे उस इलम की फजीलत भी मालूम हो रही है कि उस से इंसान को रोशनी मिलती है इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं वो इलम आ जाए फिर भी कोई यहूदियों सही की मुआफत करे तब वो झालम होगा क्योंकि उस पर हुजत तमाम हो चुकी उस पर हुजत कायम हो चुकी उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं एक सौ छियालीस में अल्लाब याबना वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इसको पहचानते हैं जैसा कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं और बेशक उनमें से एक ग्रोह यकीन हक हाँ को छुपाता है इस हाल में कि वो हक हाँ को जानता है वो लोग इसे मौसू है जमा के लिए आतना हमने दी हमने दी मुराद कौन है अल्लाह इज्जत अल्लाह ने अपने लिए लफज हम इस्तेमाल किया है मैं इस्तेमाल नहीं किया हमने दी ये नहीं कहा मैंने दी क्योंकि अल्लाह अजीम है अजमत वाले हैं इसलिए कहा कि हमने दी वो लोग जिनको हमने किताब दी मुराद कौन है यूदी और ईसाई या रिफून वो पहचानते हैं फिर मुदारे है जमा के लिए आरिफू न हो वो इसको पहचानते हैं किसको पहचानते हैं तो यहां पर कई अखबार हैं एक कौल ये है कि वो नबी अलीलातलाम को पहचानते हैं अब सवाल पैदा होगा कि नबी अलीलात वाम का तस्करा कहा पे है तो जवाब ये होगा कि ये बात मालूम है मशहूर है इसलिए पीछे कोई मर्जे तलाश करना जरूरी नहीं है कि वो लोग जिनको हमने किताब दी वो नबी अलीस्म को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं और दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद है कि वो किबले की तब्दीली को पहचानते हैं ऐसे ही जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं क्योंकि तो उन्होंने अपनी कुतुब में पढ़ रखा है कि आखिरी नबी जब आएगा तो उसका किबला क्या होगा मशत हराम उसका किबला क्या होगा काबतुल्ला उसका किबला क्या होगा मक्का तो वो इस मामले को पहचानते हैं ऐसे ही जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं अगरचि मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इलम उनके पास मौजूद है इसके अलावा और भी कई अखबार हैं लेकिन ये दो कौल सबसे वादे थे वो मैंने आपके सामने रख दिए कमा आरिफून अबना आहुम आप जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को अबना इब्र उनकी जमा है वह इन न फरीक अमिल और बेशक उनमें से एक ग्रोह फरीक ग्रोह यक तुम लक का अलबत् वो हक को छुपाता है यक तमून फिर मुदारे है जमा के लिए क्योंकि फरीक में ग्रोह में कई लोग होते हैं यानी कि उनमें से एक जमात ऐसी है कि वो लोग हक को छुपाते हैं तो हक से मुराद क्या हक है यही हक नबी अलीला तो वाम का नबी बरहक होना या आपके किबले का बरहक होना वहम यामून वाह हालिया है वो हक को छुपाते हैं जबकि वो जानते हैं किसको जानते हैं हक को जानते हैं या फिल मुदारे है जमा करिए है और हम याद की तफसर की तरफ आते हैं अल्लाह तलामान है कि बेशक वो लोग जिनको हमने किताब दी कि यूदी रसाई वो हमारे नबी मोहम्मद को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं सल वम उन्हें कोई शुभा नहीं है कोई इशकाल नहीं है अच्छी तरह जानते हैं अगर ईमान लेकर नहीं आते तो यह मसला नहीं है कि वो आपको पहचान नहीं सके और ऐसे ही वो किबले की तब्दीली को जानते हैं कि यह चीज बरहक है और ये नबी अली अलीलाम आखिरी नबी के औाफ में से एक वजफ है और ऐसे ही इसको पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं लेकिन मसला यह है कि इस हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है इस हक को नहीं कि उसका इकलार करने के लिए इतराफ करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन सब ऐसे नहीं है फरमाया उनमें से एक ग्रोह ऐसा है जो हक को छुपाता है और वो हक को जानते हैं इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक को नहीं छुपाते अल्लाह ने यह नहीं कहा कि वो सारे के सारे हक को छुपाते हैं फरमाया उनमें से एक ग्रोह हक को छुपाता है इसका मतलब यह कुछ लोग ऐसे भी है जो हक को नहीं छुपाते मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों में से हक को पहचानते थे हक को मानने का ऐलान किया और हक पे ईमान ले आए कलमा पढ़ लिया नबी अली सात उसम के सच्चे पैरोकार बन गए ऐसे ही तमीमदारी ईसाइयों में से सुहैब रूमी और भी बहुत सारे लोग हैं सलमान फारसी तो ये सारे वो लोग हैं जो अहले किताब में से हैं और इन्होंने हक को पहचाना और हक को छुपाया नहीं बल्कि हक को कबूल करने का ऐलान किया और लोगों को भी बताया कि ये हक है और इसे मान लो तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनमें से एक गरोह हक को छुपाता है जबकि वो हक को जानते हैं और इस ऐद के इस आखिरी जुमले की तईद अल्लाह रबुल्जत के उस फरमान से होती है जिसमें अल्लाह तला फरमाते हैं तबीबीरा सूर्य आराफ है इस ऐसे पता चला कि वो नबीत को तुरात इंजील में लिखा हुआ पाते हैं तुरती में भी आपका तस्करा मौजूद है और ये पढ़ते हैं इंजील में भी आपका तस्करा मौजूद है और ये इस बात को जानते हैं और पढ़ते हैं बल्कि इसका इकरार वो आपस में किया करते थे अल्लाह तरमाते जब आपस में अलग होते ती में बैठते तो एक दूसरे से कहते मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम्हें बता दी है क्या तुम इसलिए इनको वो बातें बताते हो ताकि रोदे क्या के यहां तुमसे बहस मुबास कर सकें तुम्हारे ऊपर हजत कम कर सके यानी ये नबी बरहक है हमारी किताबों में इनका तस्करा मौजूद है लेकिन ये बातें मुसलमानों को ना बताओ उनके सामने जहर ना करो तो की उस से और ये आखिरी पढ़ी है इन दोनों से पता चला कि वो नबी नबीत के नबी बरहक होने को जानते थे और ऐसे ही वो आपके उन उमूर को भी जानते थे जिनका आप तस्करा किया करते थे कि ये बरहक हैं और जो शरीयत आप नाजर हुई है वो बरहक है इस बात को वो जानते थे उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सौ सैंतालीस में अलह रबी का फला तकून तक ये हक है आपके रब की तरफ से तो आप शक करने वालों में से ना हो अलहक्कू ये अल जो है ये आहद के लिए है यानी कि ये चीज हक है मेरे रबी का आपके रब की तरफ से यानी कि आपका नबी होना ये चीज बरहक है या ये किबला की तब्दीली ये क्या है ये बरहक है और किसकी तरफ से आपके रब की तरफ से है फला तकू नन्ना बस आप हरगिज ना हो ला तकू के बाद नून आया है ताकीद के लिए और ला जो है ये नहीं के लिए है मिनल मुमतरीन मुमतरीन जमा है और ये लफज कहा से अख़द है इमतरा यमतरी से यानी के शक करने वाला शक करना तो उसका इसम फाइल है तो मुमतरीन शक करने वाले तो आप शक करने वालों में से ना हो इस ऐद की तफसीर क्या है अल्लाह तला बता रहे हैं कि यह किबला की तब्दीली ये बरहक है आपके रब की तरफ से है

आपका खसूसी तौर पर अहतमाम करने वाले हैं तो फरमाया ये चीज बरहक है आपके रब की तरफ से है फलाथकूल तरीन इसलिए आप शक करने वालों में से हारगज गिज़ना हो जब किसी चीज से रोका जाता है तो क्यों रोका जाता है इसलिए कि मुखातब उसका इरतकब कर रहा होता है यह खतरा होता है कि यह इसका इरतकाब करेगा तो नबी अलीस्म से कहा जा रहा है कि आप शक करने वालों में से ना हो क्या आपने शक किया था या खतरा था कि आप शक करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मकसद यह है कि नबी अलीलाम और आप पे ईमान लाने वाले इस हक पे बरकरार रहें, इस हक पे साबित कदम रहें यह ऐसी जैसे लता फरमाते हैं या यूहदीन आमनू आमिन रसूली ए ईमान वालो अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आओ क्या मतलब इस ईमान पे दैम रहो तुम ईमान कबूल कर चुके हो इस ईमान पे दैम रहो और रोज बरोज इस ईमान में इजाफा होना चाहिए तो यहां पे भी यही सूर्त हाल है कि ये हक है आपकी रब की तरफ से बस आप हर गिद्ध शक करने वालों में से ना हो यानी कि आप इस हक पे बरकरार रहें ना पहले आपने कुछ शक्को शुबा किया ना आइंदा कभी आप कुछ शक्को शुबा करें उसके बाद आयत नंबर 148 अल्लाह ताला फरमाते हैं वाली कुल्ली उम वजहतु हुवा मुवल्लीहा फस सबिकुल खैरात आइनमा तकोनो याती बिकुम अल्लाह जमीअ इनल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और हर एक के लिए एक जिहत है एक जानिब है जिस की तरफ वो अपना रुख करने वाला है बस तुम खैर के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो नकुन या अति बिकम जमिया तुम जहां कहीं हो गए अल्लाह तला तुम सबको ले आएगा बेशक अल्लाह तला हर चीज पे कादर है अल्लाह तला फरमा रहे हैं वलीकुल्लिनी कुल, हुआ वाली कुल हर एक के लिए यहां पे मुजाफ अलह मुकदर होगा मिसाल के तौर तो पर वाली कुल्ली वाहि नासी लोगों में से हर एक के लिए विजहतुन विजहतुन वो जगह जिसकी तरफ मुंह किया जाए वो जगह जिसकी तरफ रुख किया जाए तो वो क्या हुआ विजह जिहत जानब हर एक के लिए एक जिहत है हर एक के लिए एक जानब है हुआ मोल्ली जिसकी तरफ वो अपने मुंह का रुख करने वाला है मोवली वल्ला यूल्ली से इसम फाइल है वो रुख करने वाला मुअलीहा हा की जमीर विजा की तरफ जा रही है वो रुख करने वाला है उस जिहत की तरफ उस जानब की तरफ और ये जुमला जो है हुआ मुअलीहा ये सिफत बन रहा है किसकी वजह तुन हर एक के लिए एक ऐसी जिहत है एक ऐसी जानब है जिसकी तरफ वो अपने चेहरे का रुख करने वाला है फस तबिकल खीरात इस सबिकु फेल अमर है जमा के लिए है इसलिए तुम एक दूसरे से आगे निकलो एक दूसरे से मुकाबला करो किस मामले में अल खैरात खैर के कामों में नेकी के कामों में अति बिकम जमिया जहां मा जायदा है ताक़ीद के लिए कि जिधर भी जहां भी तकनु तुम हो गए फिर मुदारे है जमा के लिए है जहां भी तुम हो गे, क्या होगा या अति बिकमल्ला जमिया अल्लाह तुम सबको हाजिर करेगा अल्लाह तुम सबको लेकर आएगा यानी कि तुम अल्लाह तला से गैब नहीं हो सकते रोजे क्यामत अल्लाह तुम्हें हाजिर करेगा इन अल्लाह अलाश इन कदीर बेशक अल्लाह तला हर चीज पे कादर है हर चीज की कुदरत रखने वाला है इस ऐद की तफसीर क्या है अल्लाह इज्जत यहां पर मोमरों को तसली दे रहे हैं मुसलमानों को तसली दे रहे हैं कि किबले के मामले में तुम्हारे ऊपर बड़े इतराज हो रहे हैं परेशान नहीं होना टेंशन नहीं लेनी हर एक का एक किबला है हर एक ने एक जिहत को अपने लिए मुतयन कर रखा है वो उसकी तरफ अपने चेहरे का रुख कर रहा है तो उन्होंने ये काम करने हैं तुम्हें घुबराने की जरूरत नहीं है तुमने हक बयान कर दिया तुमने मामला वाजे कर दिया अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फसा बिकुल खैरात क्या करो खैर के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो कभी नमाजें पढ़ो कभी रोदे रखो कभी सदका खैरात करो खैर के कामों में आगे बढ़ो और यहां पे वही अंदाज है जो अंदाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत में इख्तियार किया है जिस आयत में अल्लाह फरमाते हैं लई सल जूहबलामन आम अब के असल लेकिन ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरक की जानब कर लो या मगरब की जानब कर लो असल लेकी उस आदमी की है जो अल्लाह पे ईमान लाता है जो आखरत पे ईमान लाता है जो फरिश्तों पे ईमान लाता है जो आसमानी किताबों पे ईमान लाता है जो नबियों पे ईमान लाता है तो असल बात यह है कि आप अल्लाह की इताद करें असल बात यह है कि आप अल्लाह का आर्डर माने तुम जहां कहीं भी अल्लाह तुम सब को ले आएगा, तुम्हें हाजिर करेगा इस जुमले से पता चला कि अल्लाह ने सारी मखलूक का अहाता कर रखा है अल्लाह से कोई भी भागने वाला नहीं है अल्लाह तुम सबको जमा करेगा हाजिर करेगा हिसाब किताब होगा उनका भी जिन्होंने इस हक को नहीं माना जिन्होंने इस किबले पे इतराज किए और अल्लाह तला अच्छा बदला उनको भी देगा जिन्होंने ये किबले की तब्दीली को कबूल किया अल्लाह इज्जत के हर आर्डर को कबूल किया जिन्होंने ये जान लिया कि हक वही है जो अल्लाह ने कह दिया जब बैतुल को किबला बनाया गया वो हक था जब मशती हराम को किबला बनाया गया तो यह हक है वो अल्लाह अल-इज़्ज़त के हुक्म की पैरवी करने वाले हैं वो अपनी ख्या के पीछे चलने वाले नहीं हैं। तो इस जुमले से इशारा मिल रहा है कि अल्लाह अल-इज़्ज़त एक दिन लोगों को कपड़ों से उठाएंगे और मैदान हशर में जमा करेंगे और वहां पे हिसाब किताब होगा इन अल्लाह इन कदीर बेशक अल्लाह तला हर चीज की कुदरत रखने वाला है इससे पता चला कि अल्लाह तला की कुदरत आम है कोई ऐसा काम नहीं है जो अल्लाह की कुदरत से बाहर हो अल्लाह तला हर चीज पे कादर हैं हर चीज की कुत ताकत रखने वाले हैं तो उन चीजों में से एक चीज यह भी है कि अल्लाह तला तुम्हें कब्रों से उठाएंगे मुर्दों को जिंदा करेंगे और उन्हें मैदान हशर में जमा करेंगे तो अल्लाह तला हर चीज पर कादर है और यह कदीर अल्लाह के नामों में से एक नाम है और इस नाम से अल्लाह की सिफ्ट कुदरत का इलम होता है पता चलता है उसके बाद ऐत नंबर एक सौ उनचास अल्लाह तलाफ रमाते हैं और जहां से भी आप निकलें बस आप अपने चेहरे का रुख मस्जिद हराम की जानब कर लें व इन्ना और बेशक ये किबले की तब्दीली लल हक को अलबत् आपके रब की तरफ से वाहफरीन और अल्लाह कति तौर पर गाफल नहीं है हम माता उन आमाल से जो तुम सर अंजाम दे रहे हो जो तुम कर रहे हो वामिन है खता और आप जहां से भी निकले खराइता फेल मादी है मुखातब के लिए है वाहिद के लिए है खराइता तू निकला आप निकले फ़वल्ली वल्ली फेल अमर है वाहिद के लिए मुखातब नबी अली सात उसम है कि आप फेर लें वजह का अपने चेहरे को किस जानब शतल मसी हराम मशली हराम की जानब मसी हराम की तरफ वह इन्ना हो और बेशक ये हो जमीर की तरफ जा रही है इससे मुराद क्या किबले की तब्दीली को ये लाम ताक़ीद के लिए है एक ताकीद शुरू में है इन्ना की शक्ल में और एक ताकीद है इस्लाम की शक्ल में और बेशक ये यकीनन हक है मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से तो यहां पे रबूब कौन सी है रबूब खासा के नबी अलीसलाम के रब और इससे पता चलता है कि अल्लाह तला किस कदर अपने नबी का अहतमाम करने वाले हैं अपने नबी का ख्याल रखने वाले हैं। अम्मा मा नाफिया है और बिगाफल की बात है ताक़ीद के लिए है कि अल्लाह कति तौर पर गाफल नहीं है अल्लाह हरगिस गाफल नहीं है हम मामलू उन आमाल से जो तुम कर रहे हो तामून फिल्मारे है जमा के लिए है तुम कर रहे हो मुखातब कौन है मुसलमान यहां पे सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफा फिर नबी अलीस्म को मशत हराम की जानब मुंह करने का हुक्म दिया है किस मौका पे नमाज की अदायगी के, के मौका पे सवाल यह है कि यह हुक्म तो पहले भी गुजर चुका है तो तकरार क्यों दोबारा यह आर्डर क्यों दिया जा रहा है तो इस सवाल का जवाब यह है कि मामला बहुत ज्यादा अहमियत रखता है किबला की तब्दीली यह मामला बहुत ही अहम है इसलिए अल्लाह ताला इसका आर्डर बार बार दे रहे हैं दूसरे नंबर पे आप जानते हैं कि तब्दीली किबला ये, कि ये अल्लाह इज्जत की तरफ से वो हुक्म था जिस पे मुखालफ़ीन ने बड़े एतराज किए बड़ा इसके ऊपर शोर मचाया इसलिए अल्लाह रबुल इज़्ज़त बार बार हुक्म दे रहे हैं ताकि इसके बारे में किसी मुसलमान के दिल में कोई शको शुबा बाकी ना रहे और सब मुसलमान दिल जमी के साथ दिल की तसल्ली के साथ इस हुक्म पे अमल करें और इस हुक्म में यह भी मसला था कि यहां पे एक किबला कैंसिल हुआ एक हुक्म कैंसल हुआ एक हुक्म कैंसिल हुआ और दूसरा उसको कैंसिल करने वाला बना तो ये नशक के लिहाज से भी कई लोगों के दिलों में शकुक व शुबात थे और ऐसे शकुक व शुबात यहूदी और ईसाई और मुलाफिकीन पैदा कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल रबुलजम की तरफ से दीन नाजल हो और उसमें तब्दीलियां हों क्यों अल्लाह का इलम पुख्ता है यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह एक हुक्म दें फिर अल्लाह उसको कैंसिल कर दें और उसकी जगह पे नया हुक्म लेकर आए ऐसा तो वो इंसान करता है जिसका इलम नाकस होता है जो बादशाह एक आर्डर दे तो वो बाद में कैंसिल कर दे तो क्यों होता है इसलिए कि पहला आर्डर देने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये आर्डर मुनासिब नहीं था वो उसको कैंसिल करके नया ऑर्डर जारी कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अगर ये दीन होता ये किबला की तब्दीली होती तो अल्लाह ताला पहले आर्डर को मनसूख क्यों करते तो इसलिए अल्लाह इज़्ज़त बार बार इस हुक्म को दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि यह आर्डर मेरी तरफ से है यह तब्दीली मेरी तरफ से है और यह बरहक है यह गुमराही नहीं है यह बातल नहीं है तो फरमाया और आप जहां से भी निकले इन अल्फाज से इस बात का भी इल्म हुआ कि किबला के ऊपर अमल सिर्फ अपने शहर में नहीं करना बल्कि जब आप अपने शहर से निकले सफर करने वाले हों तब भी फर्ज नमाज में आपने मस्जिद हराम की जानम रुख करना है कोई ये ना समझे कि सफर के दौरान इस हुक्म के मामले में सुस्ती हो सकती है तखफीफ हो सकती है नरमी हो सकती है फरमाया नहीं वमिन है सुख रही था आप जिस शहर से भी निकले आप जब भी अपने घर से निकलें आप सफर की हालत में हो तब भी फर्ज नमाज की अदायगी में अपना रुख किधर करें हराम की जानब करें और ये बात आप जानते हैं कि सफर के दौरान नफल नमाज पढ़ते हुए किबले के मामले में नरमी है कोई आदमी अपनी ऊंटनी पे बैठ जाता है गाड़ी पे बैठ जाता है बस पे ट्रेन पे जहाज पे और नफल नमाज शुरू कर देता है तो वो पढ़ता रहे चाहे उसका रुख किबला की जानब ना हो नबी सलाम सफर के दौरान ऐसा ही किया करते थे वह इन नहूद अल हकों में रबी का तो ये किबला की तब्दीली बरहक है आपके रब की तरफ से आखिरी जुमरे में कहा गया अल्लाह तला उन अमाल से गाफल नहीं है जो तुम कर रहे हो इसमें वार्निंग भी है इसमें तसली भी है मुसलमानों के लिए तसली है क्या मुसलमानों जो तुम कर रहे हो अल्लाह तला उससे गाफल नहीं है अल्लाह के इलम में है अल्लाह ते तुम्हें अदरों देगा इसकी वजह से अल्लाह तला तुम पे राधी होगा इसकी वजह से तुम पे अल्लाह की रहमतें बरसेंगी और दूसरे लोगों के लिए वार्निंग है जो मुखालफत कर रहे थे कि अल्लाह तला तुम्हारी हरकतों से भी गाफल नहीं है इस पर तुम्हारा हिसाब किताब होगा और इस जुमले से यह भी पता चला कि अल्लाह रबुलजत का इलम कामलो मुकम्मल है अल्लाह किसी के किसी भी अमल से गाफल नहीं है हर एक का हर अमल अल्लाह तला के इलम में है अल्लाह हर एक को देख रहे हैं हर एक के कौल को उसके अल्फाज को उसके उसकी बातों को सुन रहे हैं और इस जुमले से यह भी पता चला कि इंसान जब कोई अमल करता है तो उस अमल में उसे इख्तियार दिया जाता है इसीलिए अल्लाह तला कह रहे हैं अल्लाह अमाल से गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो तो अमल की नस्बत किसकी तरफ की गई है मुखातब की तरफ इंसान की तरफ इससे पता चला कि इंसान जो आमाल सर अंजाम देता है वो खैर पे मबनी हो या शर पे उसमें इंसान का इरादा होता है उसका इख्तियार होता है उसकी कुदरत होती है अगरचे उन अमाल का खालक कौन है अल्लाह ताला जबरिया इसलिए गुमराह हुए कि उन्होंने कहा कि इंसान मजबूर महद है जो भी खैर के काम करता है या गुनाह के काम करता है इस में उसका कोई अमल दखल नहीं है और उनका यह अकीदा अल्लाह रबुल इजत की तोहहीन पर मबनी है यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह इंसान को उसके गुनाहों पर सजा देगा जबकि इंसान का उसमें कोई कसूर नहीं है वो तो मजबूर माज था और दूसरी जानब कदरिया है मोतजला है वो भी गुमराह हुए वो कहते हैं कि इंसान अपने अमाल का खुद खालिक है जो चाहे सो करे उसे कोई रोकने वाला नहीं उसमें अल्लाह की अल्लाह का कोई इरादा नहीं उसमें अल्लाह की कोई मशीयत नहीं और हक इन दो गुमराह अकायद के माबेन है वो क्या कि इंसान अपने अमाल का खालक नहीं है अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु खाल का माता मलून अल्लाह तुम्हारा भी खालक तुम्हारे अमाल का भी खालक लेकिन खालक अल्लाह है इंसान को इरादा दिया गया है उसे कुदरत दी गई है उसे इख्तियार दिया गया है इसीलिए उसके गुनाहों पे उसे सजा मिलेगी उसके गुनाहों पे उसका हिसाब होगा इसीलिए नबी भेजे गए इसीलिए आसमानी किताबें नाजल की गई अगर इंसान मजबूर महज़ हो तो अंबिया के नाम आलि को भेजने का कोई जवाब नहीं है अगर इंसान मजबूर महज है तो इंसान की हिदायत के लिए आसमानी किताबें नाजल

फलाशमी वाल और आप जहां से भी निकले फवल वजह का आप अपने चेहरे का रुख कर ले शतर हराम मशत हराम की जानब वही तुम और तुम जहां कहीं भी हो फ्लु वजू हकुम शतरा तुम अपने चेहरों का रुख कर लो शतरा उसकी जानब किसकी जानब मशत हराम की जानब

वकुम तहतदून और ताकि तुम हदायत पा जाओ वही तो खरजता वल्ली वजह का शतल मशती हराम वही तुम माकुन तुम फलुजुआ कुम शतला ये वो अल्फाद जो पहले भी गुजर चुके हैं खरजता आप निकले फेल मादी है वाहिद के लिए वल्ली आप फेर लें फेल अमर है वाहिद के लिए क्या फेर लें अपना चेहरा हईसु माकुन तुम हईसु जरफ मकान है जहां और माँ जैदा है उसकी ताकीद के लिए जिधर भी तुम हो जिस जगह भी तुम हो जिस मकाम पर भी तुम हो फल्लु फेल अमर है लेकिन जमा के लिए वल्ली एक के लिए चाह वल्लु सब के लिए है तुम सब फेर लो वजूह कुम अपने चेहरे ली अल्लाह ये लाम तालील के लिए है सबब बयान करने के लिए है हिकमत बयान करने के लिए है असल में है ली अन ला ताकि ना उसके बाद क्या है ताकि ना रहे लिनासी लोगों के पास अलग तुम्हारे खिलाफ क्या ना रहे हु तो हुज्जा ये फाइल है किसका यकूना का ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे कोई दलील ना रहे इधन सवाए उनके जो इनमें से क्या है ालम है मौसूल है जिन्होंने जुलम किया फेल मादी है जमा के लिए ला तख्स तुम इनसे ना डरो ला नाह है तुम इनसे ना डरो जमा के लिए है वख्शम है जमा के लिए तुम मुझसे डरो एक शव तुम डरो नी मुझसे वाली उत्म्मा और ये लामबी तारीर के लिए है और ताकि उत्म्मा फेल मुजारे है वाहि के लिए इससे पहले अन है और ताकि मैं मुकम्मल कर दूं क्या मुकम्मल कर दूं नेमती अपनी नेमत अपनी नेमते अलैकुम तुम्हारे ऊपर वकुम यहां पर भी तालील के लिए है और ताकि तुम तादूल फिर मुदारे है जमा करिए और ताकि तुम हिदायत पा जाओ आप यहां पर नोट करेंगे कि इन आयात में नबी अलीस्म को तीन मरतबा मस्जिद हराम की जानब मुंह करने का हुक्म मिल चुका है और आपके मानने वालों को आपके पैरोकारों को मुसलमानों को दो मरतबा मस्जिद हराम की तरफ मुंह करने का हुक्म मिल चुका है और अल्लाह इज्जत तीन दफा ये कह चुके हैं कि तब्दीली किबला बरहक है ये गुमराही नहीं है ये अल्लाह इज्जत की तरफ से है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तला का ये हुक्म इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है इसलिए मशत हराम की तरफ मुंह करके हमेशा नमाज पढ़नी चाहिए और इस मामले में सुस्ती नहीं करनी चाहिए इल्ला ये कि कोई हालत सफर में नफल नमाज अदा कर रहा हो या कोई कश्ती में नमाज अदा कर रहा हो और खतरा हो गिरने का तो फिर जिधर भी मुंह करके नमाज अदा करना मुमकिन हो अदा कर ली जाए या जंग की हालत हो खौफ की हालत हो या किबले का इलम ना हो रहा हो तब रुखसत है कि आप किबले के अलावा किसी और तरफ मुंह कर ले वरना कोई रुखसत नहीं है ये बार बार के आर्डर ये बार बार के काम इनसे पता चलता है कि काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना किस कदर जरूरी और लाजमी है और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इन ऐतों में तिकरारे महज नहीं है ऐसा नहीं है कि यह तकरार है और इसमें कोई नया फायदा नहीं है हर तकरार में कोई नया फायदा है पहले नंबर पर अल्लाह इज्जत ने जब किबले की तब्दीली का हुक्म दिया ऐत नंबर एक सौ चवालीस में तो वहां पर अल्लाह ने बताया कि नबी अलीलाम बार बार आसमानों की तरफ देखते हैं और आप चाहते हैं कि किबला तब्दील हो आप चाहते हैं कि आपका किबला क्या हो मक्का हो तो अल्लाह तला ने वहां पर बताया कि आपका किबला तब्दील किया जा रहा है आप अपना रुख मशद की तरफ कर लें और मुसलमान भी कर ले तो वहां पर यह बताना मकसद था कि नबी अलीलाम की इस ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरा कर लिया जिस किबले पे आप राधी थे उस किबले की तरफ अल्लाह ने मुसलमानों को फेर दिया फिर ऐत नंबर एक सौ उनचास में अल्लाह तला कह रहे हैं कि आप अपने चेहरे का रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें तो यहां पर क्या है कि जहां से भी आप निकलें गोया कि इस के इस ऐत का तल्लक है सफर से है और फिर अब ये ऐत नंबर एक सौ पचास यहां पर भी नबी अली अलीस्म को हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने चेहरे का रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें और लोगों को भी हुक्म दिया जा रहा है तो यहां पर क्या मकसद है इसके बाद वो असबाब बयान किए जा रहे हैं वो हिकमतें बयान की जा रही हैं जिनकी वजह से किबला तब्दील हुआ तो ये हिकमतें बयान करने से पहले अल्लाह रबुल इजत ने शोकम को दोहराया तो अब हिकमतें क्या बयान की जा रही है? पहली हिकमत क्या है ली अल्लाकूल हज्जा किबला इसलिए तब्दील किया गया नए किबले की तरफ आप इसलिए मुंह कर लें ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हजत ना रहे अगर आप बैतुल बैतुलमुकदस करके नमाजें अदा करेंगे और इसी पे अमल करते रहेंगे तो यहूदी और ईसाई कहेंगे कि यह नबी सच्चा नबी नहीं है क्योंकि तो हमारी किताबों में जिस नबी के बारे में बिशारतें आई हैं पशीन गोइयां आई हैं जिसके उसाफ बयान किए गए हैं उस नबी के बारे में यह आया है कि उसका किबला मक्का होगा काबा होगा तो यह नबी मसीह ये की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि यह सच्चा नबी नहीं है अल्लाह ताला कहते हैं तो पहली हमत क्या है कि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुजत ना रहे ने मक्का क्या कहेंगे वो कहेंगे कि ये दावा करता है कि मैं मिल्ल इब्राहिम पे हूं इब्राहिम अली इस्लाम के दीन पे हूं जबकि किबला इब्राहिम अली इस्लाम की बजाय दूसरा इख्तियार किया है इब्राहिम का तो किबला का बातुल्ला था उनका किबला तो मक्का था तो जब आप किबला तब्दील करेंगे तो ना यहूदियों ईसाइयों के पास को उजर रहा ना मुशर्कन मक्का के पास को उजर रहा अब भी अगर वह हाँ कबूल नहीं करते तो अब वो झूठे हैं उनके पास कोई हुज्जत नहीं है कोई उजर नहीं है कोई ऐसी दलील नहीं है जो काबिल इतमाद हो तो फरमाया, यकून अली ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे इल्ला लेकिन वो लोग जो उनमें से झालम है वो बातें करते रहेंगे वो इतराज करते रहेंगे वो शुभ वारत, वारत करते रहेंगे आप उनकी परवाह ना करेंगे फला तख्शो हम बख्शोनी तो इसलिए तुम उनसे ना डरो मुझसे डरो जो उनमें से ालम है जो दलील के बगैर हज्जत के बगैर एतराज कर रहे हैं शुभ वारत कर रहे हैं उनसे ना डरो मुझसे डरो और ये किबले की तब्दीली को कबूल करो और नमाजों में अपना रुख किसकी तरफ रखो मस्जिद हराम की तरफ रखो उनसे ना डरो मुझसे डरो उनके इतराजा से डरने की जरूरत नहीं है और यहां पे अल्लाह ने लफज क्या बोला है फला तखशनी और ये दोनों लफज किससे माखूद है खशिया से और एक लफ्ज होता है खौफ अल्लाह तला भी कहते हैं कि मुझसे डरो और वहां पर लफज इस्तेमाल करते हैं खौफ का और यहां पर कहा मुझसे डरो पे लफ क्या इस्तेमाल किया खशिया का तो खशिया और खौफ में क्या फर्क होता है खशिया और खौफ में फर्क यह होता है कि खशिया वो डर है जो इलम की बुनियाद पर हो अल्लाह कहते हैं इन सवायस के नहीं अल्लाह तला से हकीकी मानों में डरने वाले कौन होते हैं यानी कि जो अल्लाह से इलम की बुनियाद पर डरते हैं जो अल्लाह के नामों को जानते हैं अल्लाह की सिफात को जानते हैं अल्लाह के मकाम को जानते हैं अल्लाह की अजमत को जानते हैं अल्लाह तला की नियमतों को पहचानते हैं इसलिए अल्लाह से डरते हैं और दूसरी हमत क्या है तब्दीली किबला में तहवील किबला में फरमाया वाली उतिम मन मैंने इसलिए भी किबला तब्दील किया है ताकि मैं तुम पे अपनी नेमत मुकम्मल कर दूं यानी किबला की तब्दीली के सिलसिले में मेरी नेमत तुम्हारे ऊपर मुकम्मल हो जाए पहले तुम्हें हुक्म दिया गया बेहतुल मुकदस की तरफ मुकर के नमाजें अदा करो अब हुक्म दे दिया गया कि मशली हराम की तरफ और यह आखिरी हुक्म है जो कैंसिल नहीं होगा इसके साथ ही किबले के मामले में अल्लाह की नेमत मुकम्मल हो गई और यह तीसरी हिकमत है और ताकि तुम हिदायत पा जाओ आप जानते हैं कि इमाम अहमद रवायत करते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा से कि नबी अली अलीम ने फरमाया कि अल्लाह इज्जत ने किबले के मामले में हमें हिदायत दी और किबले के मामले में यहूदी और रिसाई गुमराह हो गए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे यह भी एहसान किया कि इनका रुख मक्के की जानब करके इनको हिदायत दे दी और यहां हिदायत से मुराद कौन सी हिदायत है हिदायत तोफीक और आप जानते हैं जहां भी हिदायत तोफीक होती है वहां पर हिदायत इर्साद भी होती है तो बुनियादी तौर पर यहां पर कौन सी हिदायत है हिदायत तोफीक अल्लाह ने तुम्हें बकायदा ये किबला तब्दील करने की तोफीक दी तुम्हें बकायदा तौर पर नमाज में अपना रुख मशती हराम की तरफ करने की तोफीक दी उसके बाद अल्लाह रबुल्जत फरमाते हैं में, कमा अरसल रसूल यू कुम आयाबिकमा जैसा कि हमने भेजा तुम में एक रसूल तुम ही में से जो तुम्हारे सामने हमारी ऐति तलावत करता है वो तुम्हे पाक करता है वही किताबिकम और वो तुम्हे किताबिकमत की तालीम देता है वहीम तक और वो तालीम देता है तुम्हें सिखाता है वो चीजें जो तुम नहीं जानते थे कमा जैसा के इसका ताल्लुक किस से है इसका ताल्लुक है अल्लाह तला के इस फरमान से कि वाली उतमती ने ऐत नंबर एक सौ पचास में कहा है वाली उतिम मनमति अली और ताकि मैं तुम पे अपनी नेमत मुकम्मल कर दूं, जैसा कि हमने तुम में तुम में से एक रसूल भेजा है यानी कि जैसे हमने तुम में से एक रसूल भेजकर तुम पे अपनी नेमत को मुकम्मल किया है ऐसे ही किबला तब्दील करके हमने तुम पे अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया तो कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा फेल मा है जमा के लिए फीकुम तुम में रसूलन एक रसूल मिनकुम तुम ही में से तलू जो तलावत करता है ये मुदारे है वाहिद के लिए वो तलावत करता है पढ़ता है अलैकुम तुम्हारे सामने आयातना हमारी आयतें आयात जमा है किसकी आयत उनकी व युक्की कुम युजी जक्का युजी फिल मुदारे है वो क्या करता है पाक करता है कुम तुमको वह युअल्लिमु और तालीम देता है फिल्मारे वाहिद के लिए तालीम देता है सिखाता है कुम तुम्हें क्या सिखाता है किताब आ किताब वाल हिकमा और हिकमत वह यू अलिमू और वो सिखाता है तालीम देता है कुम किस चीज की मालम तकून तालमून जो तुम नहीं जानते थे तालमून फिल मुदारे है जमा के लिए अब इस आयत की तफसीर की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कमा अरसल नाफीकुम रसूल अमिन कुम जैसे हमने किबले जैसे हमने तुम पे एक रसूल भेजकर अपनी नेमत मुकम्मल की ऐसे ही हमने किबले के मामले में तुम पे अपनी नेमत मुकम्मल की कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा तुम में रसूल एक रसूल तुम ही में से और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है खूस मक्का के लोगों पर अल्लाह ने रसूल भेजा किन में से मक्का वालों में से अल्लाह ने रसूल भेजा किन में से कुरैश में से और कुरैशियों को चाहिए था सबसे पहले आप ही ईमान लेकर आते क्योंकि नबी अलीस्म को जानते थे आपकी शख्सियत को आपके अखलाक को आपके किरदार को आपके नसब को और आपके दीगर अमूर को इसलिए उनको चाहिए था कि वह सबसे पहले ईमान लेकर आते यतलू अली गुम आयातना ये रसूल कैसा है इस रसूल की खूबियां क्या है इसके औसाफ क्या है इसकी सिफात क्या है हमने तुम में एक रसूल भेजा तुम में से है यतलू ये पहली सिफत है कि वो तुम्हारे सामने हमारी ऐतों की तिलावत करता है तुम्हारे सामने हमारी ऐतें पढ़ता है और यहां पर मुराद शरी ऐतें भी हैं कौनी आयतें भी हैं अल्लाह तला का कलाम भी पढ़ता है और कौनी ऐतों का तस्करा भी करता है मिसाल के तौर पे वो तुमसे कहता है आसमानों की तरफ देखो जिस अल्लाह ने ये आसमान पैदा किए हैं बगैर सुनो के यही तुम्हारी इबादत का हकदार है उसके साथ किसी और को शरीक ना करो तो इस किस्म की कौनी आयात भी वो तुम्हारे सामने रखता है वह युजी कुम और वह तुम्हे पाक करता है तुम्हारे नफूस की सजा करता है तुम्हें पाक करता है हर तरह के अमराज से हर तरह की बीमारियों से शिर की बीमारी से रिश्तेदारों को उनसे तल्लुकात तोड़ने की बीमारी से बेटियों को कत्ल करने की बीमारी से बेटियों को विरासत से महरूम कर देने की बीमारी से तो वह वही तुम को तुमको पाक करता है तुम्हारी असलाह करता है तुम्हारे अखलाक को संवारता है वही मकमल किताबुल हम और वह तुम्हें तालीम देता है किताबो हिकमत की किताबों हि, की तालीम देता है किताब से मुराद कुरान और हिकमत से मुराद क्या है नबी अली सात की अहादीस और अल्लाह तला ने यह दोनों चीजें आसमानों से नाजल की हैं अल्लाह फरमाते हैं सुर नंजर अल्लाह किताब वाल हम ने आप पे किताब भी नाजल की है, हिकमत भी नाजल की है पता चला नबी आलतम की अहादीस का भी एहतमाम ऐसे ही करना चाहिए जैसे हम कुरान का एहतमाम करते हैं आपकी अहादीस ऐसी हजत है जैसे कुरान हुजत है और अल्लाह तला ने जैसे कुरान उतारा ऐसी अहादीस उतारी और नबी अलीस्म कुरान की ऐसी तालीम देते थे जैसे अहादीस की तालीम देते थे और वो तुम्हें तालीम देता उस चीज की जो तुम नहीं जानते थे इससे पता चला इंसान असल में क्या है जाहिल है जब इंसान पैदा हुआ उसके पास इलम नहीं, नहीं था अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो इंसान के पास इलम नहीं था फिर अल्लाह ने इंसान को कान दिए आंखें दी कानों से सुनता है मालूम पहुंचती हैं आंखों से देखता है मालूम हासिल करता है तो अल्लाह ने हर तरह की मालूमा दी है दीनी भी दुनियावी भी अब नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है ये कौन सिखाते हैं अल्लाह सिखाते हैं वजू कैसे करना कौन है कौन सिखाते हैं अल्लाह सिखाते हैं ये मालूम कौन देते हैं कि कायनात का आगाज कैसे हुआ और अख्ताम कैसे होगा क्यामत आएगी हिसाब किताब होगा ये सारी मालूम कौन देते हैं नबी अलीला तो इस्लाम देते हैं उसके बाद अल्लाह तरमायात नंबर एक सौ बावन में फत कुरू वशकुरूनी वला तकफुरून उला पस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा तुम मुझे याद रखो मैं तुमको याद रखूंगा वश्करू ली और तुम मेरा शुक्र करो और मेरी ना शुक्री ना करो फतकुरूनी ये फेल अमर है जमा के लिए। उदकू तुम याद करो नी मुझे जवाब क्या है अदकुर, फेल मुदारे के लिए। मैं याद करूंगा कुम तुम्हें वश्करू और तुम शुक्र करो फेल अमर जमा लिए ली मेरे लिए मेरा शुक्रिया अदा करो वला तक फलून ये ला नाह है कि नहीं तो मेरी ना शुक्री ना करो तो अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना वाजिब है क्योंकि फेल अमर है अल्लाह का जिक्र करें दिल में जुबान के साथ अपने अजा के साथ दिल में अल्लाह तला की निशानियों पर गौर करना अल्लाह तला के नामों पर गौर करना अल्लाह की सिफात पर गौर करना जुबान के साथ कहना ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह तला का तस्करा करना और आजा के साथ अल्लाह का जिक्र करना नमाजें अदा करना रोजे रखना ये आजाद के साथ अल्लाह का जिक्र है तो फर्ज करूनी अल्लाह को याद रखना हर मौका पे और अल्लाह से कभी भी इंसान को गाफल नहीं होना चाहिए आप किसी को नेकी का हुक्म देते हैं ये अल्लाह को याद रखना है बुराई से रोकते हैं अल्लाह को याद रखना है तलावत करते हैं यह अल्लाह का जिक्र है नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का जिक्र है अदकुररमाया मैं तुम्हें याद रखूंगा और ये अहम चीज ये नहीं है कि आप अल्लाह का जिक्र करें अहम चीज ये है कि अल्लाह तला आपको याद रखे और सही अदी इमामीत करते हैं जनाब अबी आलिस्त ने शाद फरमाया जो मुझे अपने नफ्स में याद करता है मैं उसको अपने नफ्स में याद करता हूँ और जो मुझे लोगों के सामने याद करता है मैं उसका तस्करा एक ऐसी जमात में करता हूं जो उस जमात से बेहतर है जिस जमात मैं मुखरफ रिश्तों में उसका तस्करा करता हूँ तो अल्लाह तला का जिक्र करें अल्लाह का तस्करा करें अल्लाह को याद रखें ताकि अल्लाह आपको याद रखे ली और मेरा शुक्र अदा करो शुक्र यानी शुक्र और हमद में क्या फर्क होता है शुक्र का मतलब यह है कि किसी ने आपके ऊपर नेमते की हैं इनाम किया है आप उसकी हमदोसना इसलिए बयान करें कि उसने आप पे इनाम किया है और शुक्र दिल के साथ भी होता है जुबान के साथ भी होता है अजा के साथ भी होता है दिल में आप उसकी कदर करें और माने उसने मेरे ऊपर यह नाम किया है जुबान से भी तस्करा करें और हमद के शुक्र के अल्फाज अदा करें और आज़ा के साथ उसकी इतात करें और इससे भी पता चलेगा कि आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं फरमाया मेरा शुक्र अदा करो वला तकनी मेरी ना शुक्रिया ना करो अल्लाह तला फरमाते हैं एक और मकाम पर शदीद मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं और नमते दूंगा मेरी ना शुक्री करोगे तो मेरा जब बड़ा सख्त है अल्लाह रब्जत से दुआ है कि अल्लाह रबुल्जत हमें कुरान हकीम सही मानो में सामने की तोफीक नेत फरमाए वाह खुदा